विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने दो प्रमुख फसलों के बारे में जो हमारे राज्य में उत्पादित की जाती हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब अन्य फसलों के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। आज हम सबसे पहले जानेंगे बाजरे के बारे में। बाजरा हमारे राज्य के लिए बहुत प्रमुख खाद्य फसल है। इसमें कैलोरी की मात्रा जौ से गेहूं से ज़्यादा होती है और गेहूं और चावल में जो वसा है वो 1.7% और 0.5% है, लेकिन बाजरे में ये 5% है, तो ज़्यादा है। और विटामिन ए भी बाजरे में ज़्यादा होता है। कैल्शियम के मामले में ये गेहूं के बराबर है। और लोह तत्व अगर देखें और ऊर्जा, तो बाजरे में चावल और गेहूं से कहीं ज़्यादा है। तो बाजरा ज़्यादा बलवर्धक है, स्वास्थ्यप्रद है और पोषक है। तो पश्चिमी राजस्थान में अगर हम देखें तो ये प्रमुख फसल है, प्रमुख खाद्यान्न है। और उपयोग देखें तो इसके उपयोग तो कई हैं। देखिए, चूरमा बना लीजिए, ढोकला, मोरम, खिचड़ी, दलिया, रोटी, खींचड़ा। अब तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इसके कई सारे उत्पाद बाजार में ले आई हैं। ये खरीफ की फसल है और देश में एक नंबर पर हमारा राज्य आता है बाजरे के उत्पादन में। अब इसकी भौगोलिक दशाएं जो आवश्यक हैं वो क्या हैं, तो तापमान, तो इसकी बुआई होती है मई जून के महीने में, कभी कभी जुलाई में, और बोते टाइम इसको 35 से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, यानी काफ़ी गर्मी उस समय होनी चाहिए। और काटते समय अक्टूबर नवंबर के महीने में इसको काटने का इसका टाइम आ जाता है, तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। इसका जो अंकुरण है वो 35 डिग्री सेल्सियस पर बहुत अच्छा होता है और बाद में इतना अच्छा नहीं होता। तो बेस्ट जो इसके लिए टेम्परेचर है, तापमान है, वो 15 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस है। बारिश की अगर बात करें तो ये शुष्क जलवायु का पौधा है, इसके लिए 50 सेंटीमीटर से कम बारिश अच्छी रहती है। मरुस्थली क्षेत्र में क्षेत्र से पैदा हो जाता है ये। और आजकल तो इसकी संकर किस्में हैं, वो सिंचाई से पैदा हो जाती हैं। करौली ज़िले में देखें हम तो महावीर जी, श्री महावीर जी जगह का नाम है, उसके पास शंकर से जो सिंचाई किए हुए बाजरा है वो बहुत अच्छा दृश्य देता है। शुरुआत में तो बारिश की बार बार की बौछारें इसके पौधे को बढ़ाती हैं, मदद करेंगी, लेकिन अगर बाद में ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो इसके लिए नुकसान देती है। और बाजरा कुछ वक्त का सूखा भी सहन कर लेता है। अब देखिए, मिट्टी कैसी चाहिए, तो बलुई, बंजर, मरुस्थली मिट्टी, अर्धकांपीय प्रकार की मिट्टी हो, और सिंचाई से इसकी खेती हो जाती है। श्रम चाहिए इसके लिए भाई सस्ता और कुशल, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखें तो 2 से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये पैदा होता है। और औसत उपज अगर देखें वो 8 क्विंटल है प्रति हेक्टेयर। तो और 2010-11 में बाजरे की जो प्रति हेक्टेयर उपज थी वो 11 क्विंटल थी, और बाद में घट भी गई है। 13-14 में देखें तो मात्र 9.33 क्विंटल रह गई। उन्नत इसकी किस्में कौन सी हैं, तो RCB 2, RAJ 171, RHB 30, RCB 911, राज बाजरा चरी 2। ये दाने के लिए और चारे के लिए दोनों के लिए बो सकते हैं इसको। अब देखिए उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है, तो राजस्थान में हमारे यहाँ कुल फसली क्षेत्रफल का 1/3 पर बाजरा पैदा किया जाता है। पूरे देश में इसमें राजस्थान का एक नंबर है। बाजरे का 80% जो क्षेत्र है वो राज्य के 12 मरुस्थलीय ज़िलों में ही है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, नागौर में बाजरा उत्पादन बहुत होता है, और राज्य का करीब 14% बाजरा इन्हीं तीनों ज़िलों में है।
इन जिलों में 14% बाजरा, और जैसलमेर जिले की कुल बोई गई भूमि के लगभग 70% भाग में बाजरा का उत्पादन, बाड़मेर में देखें तो 69% भाग में, और नागौर में देखें तो 45% भाग में बाजरा ही बाजरा होता है। जोधपुर जिले में देखें तो लगभग आधी यानी 50% कुल बोई गई भूमि में बाजरे की खेती होती है। बाजरे का उत्पादन करने वाले दूसरे जिले हैं जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। मेवाड़ में और हाड़ोती में ये बाजरा पैदा नहीं किया जाता, और अब उत्पादन देखें तो जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली और अलवर, ये राज्य का 55% बाजरा पैदा होता है। यहाँ उन्नत बीज हैं, उर्वरक हैं, मिट्टी अच्छी है और बारिश भी संतुलित प्रकार की है, और राज्य में बाजरे का उत्पादन घटता रहता है, बढ़ता रहता है। देखिए 2005-06 में बाजरा 21.6 लाख टन हुआ, और कभी कभी बारिश समय अनुकूल नहीं रहता तो बाजरे का उत्पादन घट भी जाता है और कभी इसका बढ़ भी जाता है। बाजरे के उत्पादन में गिरावट फसल के समय अगर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भारी बारिश हो जाए तो क्या है कि पौधे झुक जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, या उसके जो सिट्टे होते हैं वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं या काले पड़ जाते हैं। और बाजरे का दाना ही केवल मानव के काम नहीं आता, बल्कि इसका जो डंठल है उसको साबुत या कुट्टी काट के पशुओं खिलाते हैं, और कड़वी कहते हैं कुछ जगहों पर। यहाँ पर एक जो कुट्टी है वो काफ़ी अच्छे रेटों पर बेची जाती है। करीब 120 से लेकर 150 रुपये क्विंटल के करीब मोटे तौर पर ये बेची जाती है। अगली फसल है ज्वार, तो ज्वार का पौधा भी ये शुष्क और अर्धशुष्क इलाके का है। उपयोग तो इसका भाई शहर गांव में पक्षियों को खिलाया जाता है, और जो इसका डंठल है उसको कुट्टी काट के पशुओं को चारे के रूप में, ऐसे इसकी रोटी दलिया बनती है, पापड़ भी बन जाते हैं ज्वार के, फ़ायदेमंद है। तापमान इसको क्या चाहिए तो 22 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस, और बोते वक्त 35 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस, काटते समय 25 डिग्री सेल्सियस, और ज्वार की जो कुछ किस्में वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होना चाहिए उसके लिए। बारिश जो वो 40 से लेके 130 सेंटीमीटर तक, और अर्धशुष्क प्रदेश में जहाँ 75 सेंटीमीटर तक की जो बारिश हो तो वहाँ ये ज़्यादा होता। कम और अनियमित वर्षा होने से, वर्षा की बौछारों के बीच में अंतराल होने से सिंचाई से भी इसको पैदा किया जाता है। बहुत कम बारिश हो या बहुत ज़्यादा बारिश हो दोनों इसके लिए अच्छी नहीं है। मिट्टी इसके लिए दोमट मिट्टी या काली मिट्टी, गहरी और मध्यम गहरी, और इसकी फसल चिकनी कांप मिट्टी, लाल काली कांप मिट्टी में ज़्यादा होती है। ज़्यादा बारिश होने पर इसका पौधा पानी से ही गल जाता है और कोई उत्पादन नहीं होता। अब प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखें तो उन्नत किस्मों में तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है 35 से 40 क्विंटल, जबकि सामान्य ज्वार जो है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पन्न होता है। इसका उत्पादक क्षेत्र देखें तो ज्वार के नीचे यहाँ राजस्थान में 10% क्षेत्रफल दिया हुआ है, और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, टोंक और अलवर जिलों में खूब उगाया जाता है। इसके अलावा बांसवाड़ा में भी, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, इन जिलों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगली जो फसल हम लोग पढ़ेंगे वो है मक्का। तो मक्का की फसल भी अपने आप में महत्वपूर्ण फसल है। वैसे ये मेवाड़ का प्रमुख भोज्य पदार्थ माना जाता है। कहते हैं कि भी
मक्का खाना और मेवाड़ छोड़ के नहीं जाना। तो इसका संबंध बहुत अच्छा है इससे। मक्का उपोष्ण कटिबंध का पौधा है और मानव और पशु द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। अमेरिका में और अर्जेंटीना में तो मक्का ही मांस वाले पशुओं को खिला के मोटा ताज़ा करती है। वैसे ये खरीफ की फसल है, इसका उपयोग दानों का भी होता है और डंठल का भी। मक्का से स्टार्च बनती है, ग्लूकोज, कुछ अल्कोहल। वैसे इसकी रोटी बनती है, दलिया, ढोकले, पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लैक, ये सब चीज़ें बनती हैं। इसके सूखे डंठल हैं वो पशुओं के काम आ जाते हैं। अब भौगोलिक दशाएं देखें तो तापमान गर्मी ख़त्म होने पर 5 जून के बाद और 15 जुलाई तक और तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। और इसके लिए पाला पड़ना, ठंडी हवा चलना, ये सब हानिकारक है। और जो रातें हैं वो गर्म होनी चाहिए, बारिश इसको चाहिए 50 सेंटीमीटर कम से कम, और वैसे 80 हो तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे 130 सेंटीमीटर तक हो तो भी ये पैदा हो जाता है। बारिश अगर कम हो तो सिंचाई से इसकी पूर्ति करनी चाहिए। फसल के उगते समय बार बार बौछार अगर होती रहे तो बहुत ही अच्छी, यानी फायदेमंद है। मिट्टी इसके लिए जीवांश और नत्रजन युक्त हो, और दोमट मिट्टी ज़्यादा अच्छी है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखें तो करीब 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का है, उन्नत किस्म अगर है तो। और बहुत सारी उन्नत किस्में यहाँ पर, माही कंचन, माही धवल, और एक संकर किस्म है सविता, उसका भी हमारे राज्य में उत्पादन किया जाता है। उत्पादक क्षेत्र देखें तो उदयपुर दक्षिण के ज़िले हैं ज़्यादातर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा, अजमेर, जयपुर, अलवर, पाली, सिरोही और टोंक, और बनास, माही, ढूंढ, मोरेल, बीड, इनके बेसिन में मक्का होती है। उत्पादन भी हमारे राज्य में इसका ठीक ठाक होना पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये दक्षिण जो हमारा है उसकी फसल है। अब देखें चावल, हमारे राज्य में चावल की वैसे ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में उष्ण और उपोष्ण कटिबंध का ये पौधा है। ये सीधा ही पका के इसको खाया जाता है, वैसे इसका चिवड़ा बन जाता है, पोहा, खील, ये इस तरह की चीज़ें बनती हैं। हमारे राज्य में ये खरीफ की फसल है। भौगोलिक दशाएं इसके लिए 25 डिग्री से 26 डिग्री का तापमान, और बोते टाइम 30 डिग्री से 35 डिग्री, काटते वक्त 20 डिग्री के करीब, और पाला नहीं पड़ना चाहिए, ठंडी हवा भी घातक है। बारिश इसके लिए 125 से 200 सेंटीमीटर की बारिश की ज़रूरत होती है। बारिश अगर कम हो तो सिंचाई से पानी भरना पड़ेगा, वो चाहे नहर से, कुएं से, सिंचाई की आवश्यकता भरपूर पड़ेगी। पौधे को लगाने के लिए कतारों में लगाया जाता है, इसको रोपा जाता है, मेनली पानी में खड़े होकर के रोपा जाता है। अब मिट्टी इसके लिए चाहिए कांपी है, दोमट, चिकनी मिट्टी जो पानी को संरक्षित रख सके, इसलिए खादर जो प्रदेश होता है वो चावल के लिए मुख्य होता है। और उत्पादकता देखें तो 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और कभी कभी ये 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी हो जाती है। अभी फ़िलहाल में जैसे अभी करीब 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमारे राज्य में है ये, हालांकि देश के हिसाब से देखें तो कम है। अब उत्पादक क्षेत्र देखें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, आप जानते हैं सब इलाके ठीक ठाक बारिश वाले इलाके हैं, साथ में सिंचाई की सुविधाएं भी मोटे तौर पर उपलब्ध हैं, तो यहाँ चावल इन्हीं इलाकों में पैदा होता है।
बाकी इलाकों में, क्योंकि हमारा राज्य शुष्क प्रकार का है। अब उत्तरी क्षेत्र में भी कुछ जगह पर जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ में चावल बोया जाता है। यहाँ घग्गर की जो नाली है उसमें पौध लगाई जाती है और सिंचाई की जाती है, बासमती किस्म पैदा भी की जाती है। यहाँ पर राज्य का करीब बल्कि 13% हिस्सा यहीं से निकलता है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ भी इसके लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।